नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 4, और पाठ संख्या 4 है कागज की आत्मकथा। यहाँ कागज अपने बारे में बता रहा है कि उसका जन्म कैसे हुआ, उसका रूप कैसे निखरा और वो किन किन जगह पर उपयोग में लाया जाता है। यहाँ हमें दी हुई है चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयोग चित्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इन चित्रों में रंग बिरंगे तरह तरह के कागज दिखाए गए हैं। आपकी पुस्तक भी कागज की ही बनी होती है। क्या आपको पता है कि कागज जिसका आप इस्तेमाल करते हैं वह कहाँ से मिलता है? इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढो और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करो। तो आपको ये गतिविधि बच्चों करनी है। और अब हम आगे चलते हैं पाठ में प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में हम कागज के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं हूँ कागज जिस पर आप लोग लिखते हैं। पहले लोगों के पास कागज नहीं था, वे पेड़ के पत्तों, लकड़ी, छाल, चमड़ा, पत्थर आदि पर लिखते थे, लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने मेरा आविष्कार किया। आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बता रहा हूँ। साइलून नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का निवासी था। एक बार वह लकड़ी काटकर सपाट कर रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे लकड़ी में रेशे दिखाई दिए। उसी समय उसके मन में विचार आया कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सके। फिर क्या था, वह प्रयोग में जुट गया। अनेक प्रयोग करने के बाद आखिर उसने बना ही लिया। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैं मोटा और खुरदुरा था। मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मेरे रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी। मैं निखरता चला गया। आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है। मिस्र के लोग मुझे बनाने के लिए पेपरस नामक घास का प्रयोग करते थे, इसी कारण मुझे पेपर कहा जाने लगा। मुझे जिन रेशों से बनाया जाता है उन्हें सेलुलोज कहते हैं। ये रेशे सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए चीड़, देवदार आदि के पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जा सकता है। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्ठों को काटा और छीला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है। इस प्रकार लुगदी तैयार की जाती है। इस लुगदी को तार की जाली से छाना जाता है और फिर पानी निकली इस लुगदी को दबाकर कागज की परत बनाई जाती है। मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल मुझे सफ़ेद, रंगीन, चमकदार, मोटा, पतला, पारदर्शी, दानेदार, खुरदुरा और रंग बिरंगा बनाया जाता है। मेरे हैंडमेड वाले रूप से बच्चे क्राफ्ट की बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं। जिस फैक्ट्री में मुझे बनाया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। छापे खाने का आविष्कार हो जाने के कारण आजकल मेरी मांग बढ़ती ही जा रही है। जहाँ देखो वहाँ मेरा ही बोलबाला है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ मेरा प्रयोग ना किया जाता हो। पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, पुस्तकें, फॉर्म, लिफाफे आदि सभी मेरे ही कारण बने हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, करेंसी नोट भी तो मुझसे ही बनता है। आजकल मेरा उपयोग अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाने में भी किया जाता है, जैसे थैले, सामान रखने के लिए गत्ते के कार्टन और डिब्बे, पेपर प्लेट आदि। मुझे खुशी है कि संसार की उन्नति में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी मेरा मन दुखी भी हो जाता है
क्योंकि मेरे कारण लाखों पेड़ काटे जाते हैं। आज पेड़ों के कटने से संसार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मुझे बनाया ही ना जाए, बल्कि मुझे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाएं उससे अधिक लगाए जाएं, मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कभी भी ना हो, मुझे फाड़कर इधर उधर ना फेंके, बल्कि फिर से लुगदी बनाकर मुझे नया जीवन दे। इसे पुनर्निर्माण अर्थात रीसाइक्लिंग कहते हैं। आजकल प्रत्येक पाठशाला में बच्चों को लुगदी से मुझे बनाने का गुण सिखाया जाता है। पश्चिमी देशों के लोग इस विषय में जागरूक हैं। इस विधि के द्वारा वे पुनः मुझे बना लेते हैं। हाँ, जब मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो मुझसे थैला, गत्ता आदि बना लिया जाता है। बच्चों, आप सभी मेरा भरपूर उपयोग करो, लेकिन बर्बाद मत करो। तो आ गई सबको कागज की बात समझ, कि सब उनका उपयोग करो लेकिन बर्बाद मत करो। तो चलिए, कठिन शब्द लिखेंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में। सुरक्षित, संभव, आविष्कार, सपाट, लुगदी, प्रयोग, गर्व, मिस्त्र, सेलुलोज, रेशे, पारदर्शी, हैंडमेड, क्राफ्ट, छापे खाने, मांग, उन्नति, योगदान, समस्याएं, सावधानी पूर्वक, पुनर्निर्माण, रीसाइक्लिंग, जागरूक, क्वालिटी, और उसके नीचे हमें दिए हुए हैं शब्द अर्थ, जिन्हें आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। सुरक्षित का अर्थ है संभाल कर, गर्व अभिमान, संभव मुमकिन, छापे खाना मुद्रणालय, आविष्कार खोज, मांग तकाजा अनुरोध, सपाट समतल, उपयोग प्रयोग, विचार योजना ख्याल, उन्नति विकास, क्वालिटी गुणवत्ता, योगदान अंश, मोटा स्थूल, दुरुपयोग गलत इस्तेमाल, तरीका प्रणाली पद्धति, पुनर्निर्माण फिर से बनाना, निखारना साफ करना, जागरूक मुस्तैद चौकन्ना, कोशिश प्रयास, बर्बाद नष्ट करना। यहाँ शुरू होता है हमारा अभ्यास कार्य। बताओ क्या पढ़ा? मिस्र में कौन सी घास के कारण कागज का नाम पेपर पड़ा? पेपरस घास के कारण। साइलून कहाँ का निवासी था? चीन का। साइलून को लकड़ी में क्या दिखाई दिए? रेशे। करेंसी नोट कहाँ बनता है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बनता है करेंसी नोट। तो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। कागज का आविष्कार हुआ है चीन में। प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज बनाया जाता था? शहतूत के पेड़ से। उत्तम कागज किससे प्राप्त होता है? रेशों से। कागज जिन रेशों से बनता है उन्हें क्या कहा जाता है? सेलुलोज। कागज से बनाए जाते हैं बच्चों। यहाँ ये चारों चीज़ें कागज से बनती हैं, थैले भी, गत्ते के कार्टन भी, पेपर प्लेट भी और करेंसी नोट भी। तो हम सभी को मार्क करेंगे सही। पेपरस घास का प्रयोग होता है पेपर बनाने में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिए हुए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले लोगों के पास क्या नहीं था? कागज नहीं था। वह लकड़ी काटकर सपाट कर रहा था। धीरे धीरे मेरे रूप को यानी कागज के रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी। मुझे कपड़ों के डैश से भी बनाया जा सकता है रेशों। आप सब मेरा भरपूर उपयोग करें लेकिन बर्बाद मत करो। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। सफ़ेद कागज पर सुंदर लिखावट बनती है सही। पहले मनुष्य कागज पर लिखता था नहीं। साइलून की खोजों से चीन का राजा नाखुश था नहीं, ऐसा नहीं है।
कागज बनाने के लिए लुगदी तैयार की जाती है, सही। चीन में आज भी हाथ से कागज बनाया जाता है, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहले मनुष्य किस पर लिखता था? पहले मनुष्य के पास कागज नहीं था, वह पेड़ के पत्तों, लकड़ी, चमड़ा, पत्थर, चट्टानों आदि पर लिखता था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज किस प्रकार हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है? कागज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है क्योंकि इससे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, थैले, पेपर प्लेट, किताब, कॉपियां, यहाँ तक कि जो नोट, जो करेंसी नोट हम इस्तेमाल करते हैं, वह भी कागज के ही बने होते हैं। आज कोई देश ऐसा नहीं है जो कागज का प्रयोग ना करता हो। कागज हमारे किस काम आता है? कागज हमारे बहुत काम आता है। कागज पर हम लिख सकते हैं, हम कला बना, हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। कागज से करेंसी नोट बनते हैं जिनसे हमारा जीवन यापन होता है। कागज से समाचार पत्र बनते हैं जिससे हमें देश और दुनिया की खबर मिलती है। तो इस प्रकार कागज हमारे बहुत तरीकों से काम में आता है। कागज किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? कागज पेड़ों, पेड़ पौधों में जो सेलुलोज पाया जाता है उसके रेशों से भी बनाया जाता है। कागज कपड़े के रेशों से भी बनाया जाता है। कागज की क्वालिटी अच्छी ना होने पर उससे क्या क्या बनाया जाता है? हम उससे गत्ता बना सकते हैं, कार्टन गत्ता होता है वो बना सकते हैं, और थैले बनाए जा सकते हैं अगर कागज की क्वालिटी अच्छी ना हो। तो बच्चों, आज आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई कागज के बारे में। तो अब आप उसका उपयोग करेंगे लेकिन उसे बर्बाद नहीं करेंगे, फाड़कर इधर उधर नहीं फेंकेंगे। आभार, मिलते हैं अगले पाठ के साथ।